जय महाकाल। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आज का जो विषय है व्यापार को लेकर है। आजकल लोग बिजनेस ठीक से नहीं चलने के कारण से बहुत परेशान हैं। तमाम नए स्टार्टअप शुरू होने के बाद बिजनेस के क्षेत्र में कंपटीशन बहुत बढ़ गया। ऐसे में कुछ व्यापारों पर असर पड़ना स्वाभाविक भी है। बेशक मेहनत रंग लाती है, लेकिन मेहनत करके आप अपने व्यापार को पहुंचा तो सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ भी होना जरूरी है। और भाग्य को आपके अनुकूल बनाने का काम करते हैं आपके सितारे। बहुत से ऐसे लोग के सवाल हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से व्यापार में परेशानियां आ रही हैं। पहले बिक्री खूब अच्छी होती थी, लेकिन अचानक उसमें गिरावट आ गई है। लाभ का प्रतिशत भी घट जाता है और समस्याएं बिकट हो जाती है। कुछ कुशल व्यापारी हैं, व्यापार चलाने का अनुभव भी आपके पास है, लेकिन अच्छे भले चलते व्यापार में अचानक रुकावट आ जाती है। अच्छा माल बेचते हैं, व्यवहार कुशल भी हैं, लेकिन इतना सब होते हुए भी व्यापार निरंतर घाटे में चला जाता है। इन्हीं समस्याओं के चलते कर्ज भी सर पर बढ़ जाता है, क्योंकि व्यापारिक गतिविधियां निर्बल हो जाती हैं। दरअसल सब कुछ इंसान के हाथ में तो होता नहीं, यह सब कर्म और नसीब पर भी आधारित होता है। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे बुरे दौर आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपके भी व्यापार में समस्याएं आ रही है तो बस आज का कार्यक्रम ध्यान से देखो। हम कार्यक्रम में के आखिरी में उपाय भी बताएंगे, जो ज्यादा परेशान है उपाय करके अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हर बिजनेस किसी न किसी ग्रह से संबंधित होता है। अगर जातक की कुंडली में उस ग्रह की स्थिति मजबूत हो तो उसे बड़ी कामयाबी मिलती है, अन्यथा उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनके समस्या समझते हैं। जय महाकाल। पंडित जी जय महाकाल। मेरा नाम है नीलेश सावान, मैं रिटायर एसीपी हूँ जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1954 जी। मेरा 21 से केरला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर है येवर में जी। बहुत पहले बहुत अच्छा चलता था, अभी 2 साल से बहुत कम चल रहा है, बहुत ज्यादा बहुत कम चल रहा है जी। तो इधर आप उपाय सुझाएंगे जी? बिल्कुल बताएंगे। आप 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। आपके स्वास्थ्य में भी गिरावट है अभी तो, और धीरे धीरे आपके जीवन में इस तरीके की ढलान आप काफी समय से देख रहे हैं। आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं, बराबर है पंडित जी। अभी क्या है कि आपने पूजा पाठ पे ध्यान थोड़ा सा कम कर दिया है, जिसके बाद से और ज्यादा आपके साथ ये समस्याएं होने लगी है। आपको कुछ हम उपाय बताते हैं, आप इस उपाय को ध्यान से सुनिए और करिए, और 11 दिन बाद दोबारा हमसे बात कीजिएगा। ठीक है जी। आपको गोमती चक्र को लेना है और एक चांदी की तार में पिरो करके उसे अपने सोने वाले बेड पर बांध देना है। अच्छा, गोमती चक्र किधर मिलेगा पंडित जी? गोमती चक्र आपको बाजार में भी उपलब्ध है, और चाहे तो आश्रम से भी मंगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको आपके नाम से सिद्ध करके भेजा जाता है, जो हमारे द्वारा होता है। दूसरा उपाय ये आपको करना है कि रात के समय एक तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रख देना है, और सुबह उठ करके इस जल को घर के बाहर जमीन पर गिरा देना है। ध्यान रखना है कि इसके छींटे आपके पैरों पे या शरीर पे नहीं पड़े। अच्छा जी। तीसरा उपाय, हर रोज आपको मंदिर, हनुमान जी के मंदिर जाना है, और वहां जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और माह में एक बार घर पर या मंदिर में कहीं भी सुंदर कांड का पाठ का आयोजन कराना है। अच्छा जी। ये हमेशा आपको कराना होगा। अच्छा जी। ये 3 काम आप कर लीजिए, जैसे शुरू करेंगे 11 दिन बाद हमसे एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा जी। 3 बार जय महाकाल बोल करके फोन को रख सकते हैं। हाँ, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।
दर्शकों, आप सब में से भी कोई परेशान है, आपको भी लगता है कि समस्याएं व्यापक हैं, ये समाप्त नहीं हो सकती है, तो आप घबराएं नहीं, सामने दिए हुए नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी हम व्यापार पर बात कर रहे हैं। दर्शकों, व्यापार योग देखने के लिए जन्म कुंडली में बुध की स्थिति, दर्शकों व्यापार योग देखने के लिए जन्म कुंडली में बुध की स्थिति, दशम भाव यानी कर्म स्थान और एकादश यानी आय का स्थान का अध्ययन किया जाता है। दशम स्थान में जो ग्रह स्थित हो उसके गुण स्वभाव के अनुसार व्यक्ति का व्यवसाय होता है। अगर दशम भाव में एक से अधिक ग्रह हो तो ग्रह सबसे बलवान होते हैं, उसके अनुसार व्यक्ति का व्यापार होता है। जैसे दशम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी आदि का व्यापार करता है। अगर दशम भाव में कोई ग्रह ना हो तो दशमेश यानी कि दशम भाव के स्वामी के अनुसार व्यापार तय होता है। अगर दशम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति प्रॉपर्टी, निवेश आदि के कार्य से लाभ उठाता है। दशम भाव का स्वामी जिन ग्रहों के साथ होता है उनके अनुसार व्यक्ति व्यापार करता है। व्यवसाय पर असर सूर्य के साथ जो ग्रह स्थित होता है वह भी असर दिखाता है। जैसे सूर्य के साथ गुरु हो तो व्यक्ति होटल व्यवसाय, अनाज आदि के कार्य से लाभ उठा सकता है। एकादश भाव आय का स्थान होता है। इस भाव में मौजूद ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यापार तय किया जाता है। सप्तम भाव साझेदारी का होता है। इसमें मित्र ग्रह होता है तो पार्टनरशिप से लाभ होता है। शत्रु ग्रह होता है तो पार्टनरशिप से हमेशा नुकसान होता है। और वो मित्र ग्रह कौन से हैं? वो मित्र ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध और गुरु। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि व्यापार में सफलता के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो जन्म कुंडली में शुभ योग होना ही चाहिए। साथ ही कुछ उपाय करके भी आप अपने व्यवसाय व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। व्यापार का प्रतिनिधि ग्रह बुध होता है, इसलिए बुध को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए भगवान गणेश की खूब आराधना करनी चाहिए ताकि भगवान गणेश प्रसन्न हो सके। आगे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल गुरु जी। जय महाकाल। क्या नाम है और क्या समस्या है आपको? जी गुरुजी, मेरा नाम राकेश पटेल है, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, गुजरात से। जी, आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मुझे लगा कि फोन करना चाहिए। हालांकि विश्वास नहीं है मुझे इन चीजों पे, लेकिन फिर भी हमें लगा कि आपका प्रोग्राम देख के कि फोन करना चाहिए। तो समस्या व्यापार को लेकर है। पहले आपको विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों ने बताया उपाय किए, लेकिन वो हमें आज तक उसका कोई फायदा मिला नहीं। हाँ, इसका विश्वास सा उठ गया है। इसका ये अर्थ तो नहीं होता कि हमारे धर्म की जो किताब लिखे गए हैं, जो रिसर्च है हमारा, वो बेकार हो गया? आपका जीवन में अगर ऐसे कोई समस्या हो गई है तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप ये फोन करके कहें कि हमें विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं है तो फोन कैसे कोई कर सकता है? ये तो कहने और समझने की बातें होती है। आप तीन बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहिए और जन्म तारीख समय सबसे पहले आप हमें बता दीजिए। जन्म तारीख है 2 मई जी 1985 जी, 8:05 शाम का वक्त है। ठीक है, आप तीन बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहिए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। सबसे पहले बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आप गलत तरीके से पैसे कमाने पर बहुत ध्यान देते हैं, इसको सबसे पहले आपको छोड़ना होगा। देखिए, लालच कभी भी व्यक्ति का नहीं फलता है और यही कारण है कि आपका विश्वास नहीं है। तो पहले तो आपको लालच छोड़ना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जो कमाइए ईमानदारी के साथ कमाइए और सामाजिक बनिए। आप समाज से कटने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये 2-3 विषयों का ध्यान आप रखिए, चूंकि ये आपकी कमी है सामाजिक तौर पर भी और आपके अपने परिवार के लिए भी।
मैं कुछ उपाय बताता हूँ, करो, और 11 दिन बाद मुझसे दोबारा बात करके बताना कि कैसा महसूस कर रहे हो। ठीक है, उपाय का कोई धन तो नहीं दे रहे हो, उपाय करना है, बहुत आसान से उपाय बता देता हूँ, कर लोगे? जी जी। सबसे पहले आपको शाम के वक्त घर के सभी कोने में थोड़ा सा नमक छिड़क देना है और सुबह इसे झाड़ू से साफ करके कूड़ा में बाहर फेंक आना है। ये करना आपको लगातार 41 दिन तक है। ठीक है, इससे नकारात्मक शक्ति दूर होगी आपकी। दूसरा, बरगद के पत्ते को गुरु पुष्प या रवि पुष्प योग में ला करके उसे हल्दी से स्वास्तिक उस पर बना करके रखना है घर में। जी। ठीक है, और तीसरा उपाय, आपको गणेश सुपारी या चंदन के गणेश जी आपको अपने घर में स्थापित करने हैं और उनकी रोज सुबह में और शाम में आरती के साथ पूजन करना है। जी, तो गुरु जी उपाय कितने दिन करने हैं? ये 41 दिन तक करने हैं, लेकिन आपको हमें बताना 11 दिन बाद ही है। जी। ठीक है जी गुरु। आप ये करिए और मुझे बताइएगा, बाकी 3 बार जय महाकाल कह के फोन को रख सकते हैं। जी गुरु जी। जय महाकाल। किन एक दर्शक जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल जी। क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हो? सर, मैं नोएडा से बात कर रही हूँ। जी, मेरा नाम किरण मौर्य है। जी, क्या सवाल है आपके? सर, मेरी जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको लेकर सवाल है। जन्म का तारीख और समय पता है आपको? हाँ सर। आप हमें जन्म तारीख समय बताएं। 23 मई। हाँ। और सुबह 12:00 ऐसी कुछ मिनट है मॉर्निंग में। 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बनी रहो। जय महाकाल। नौकरी में तो काफी समय से उतार चढ़ाव चल रहा है, इसके लिए कोई पूजा पाठ भी आपने कराया था? जी सर। देखिए, कभी भी कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो आपको खुद ही करने होते हैं, आप सोचेंगे कि आपका काम कोई दूसरा कर दे, तो ऐसा संभव नहीं होता है। और भी कुछ परेशानियां आपके साथ पहले भी घटित हुई है और घटने वाली भी है, तो अभी आपको हम कुछ उपाय बता देते हैं। उपाय करिए और जब थोड़ा सा राहत आपको मिल जाए तो आप आ करके हमसे एक बार मिलना जरूर। आपको उपाय ये करने हैं कि एक तांबे का सिक्का लेना है और रात में सोते समय इसे अपने सिरहाने रख लेना है, अगले दिन सुबह इस सिक्के को शमशान में ले जा करके फेंक आना है। दूसरा उपाय, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को 400 ग्राम दूध में चावल मिला करके नदी में बहा देना है और ये उपाय लगातार आपको 7 मंगलवार करने होंगे। तीसरा उपाय, काले और सफेद तिल को मिला करके सफेद और काले कपड़ों में बांध करके जंगल या किसी सुनसान जगह पर जमीन में दबा देना है। और एक आप क्रिस्टल का कछुआ अपने घर में रखिए और नियमित जब पूजा कीजिए तो उसको भी चंदन लगाया कीजिए। ठीक है, ये 3-4 जो उपाय हैं कर लीजिए, आपके जीवन में जो समस्याएं हैं ये समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, जय महाकाल। दर्शकों, अगर आप लोगों में से भी कोई किसी को ऐसा लगता है कि जन्म कुंडली दिखा करके क्या हम अपनी समस्या समझ सकते हैं, तो आप निश्चिंत होकर के एक बार सामने दिए हुए नंबर के माध्यम से जुड़िए। अभी हम बात व्यापार को लेकर के कर रहे हैं। दर्शकों, अगर कुंडली में सप्तमेश सप्तम भाव में हो या सप्तम भाव पर सप्तमेश की दृष्टि हो तो बिजनेस में सफलता मिलती है। सप्तमेश स्व राशि या उच्च राशि में होकर के शुभ भाव में होता है तो व्यापार के अच्छे योग होते हैं। अगर लाभेश लाभ स्थान पर होता है तो व्यापार में अच्छी सफलता मिल जाती है। लाभेश की लाभ स्थान पर दृष्टि हो तो भी व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है। अगर लाभेश दशम भाव में और दशमेश लाभ स्थान में होता है तो अच्छा व्यापारिक योग बनता है। वहीं दशमेश का भागेश के साथ राशि परिवर्तन भी व्यापार में सफलता दिलाता है। अगर धनेश और लाभेश का योग शुभ स्थान पर होता है
या धनेश और लाभेश का राशि परिवर्तन हो रहा होता है तो भी व्यापार में व्यक्ति सफल होता है। सप्तमेश अगर मित्र राशि में शुभ भाव में स्थित होता है तो व्यापार में कामयाबी मिलती है। अगर सप्तमेश और दशमेश का राशि परिवर्तन होता है, अर्थात सप्तमेश दशम भाव में और दशमेश सप्तम भाव में होता है, तब भी व्यापार में अच्छी सफलता मिलती है। बुध जो व्यापार के कारक होते हैं, ये स्वराशि के या उच्च राशि के यानी कि मिथुन और कन्या में होकर के शुभ भाव में होते हैं तो भी व्यापार में अच्छी सफलता दिलाते हैं, व्यापार के अच्छे योग बनते हैं। अगर बुध शुभ स्थान केंद्र त्रिकोण में मित्र राशि में स्थित होते हैं और सप्तम भाव सप्तमेश अच्छी स्थिति में होते हैं तो भी व्यापार में सफलता मिलती है। अगर लाभेश ग्राह्मी भाव का स्वामी पाप भाव यानी कि 6, 8, 12 भाव में होता है तो ऐसे में बिजनेस में संघर्ष की स्थिति बनती है। कुंडली के एकादश भाव में किसी पाप योग यानी कि ग्रहण योग, गुरु चंडाल योग आदि का बनना भी व्यापार में संघर्ष पैदा करता है और इसमें सफलता को कम करता है। वही कुंडली में सप्तमेश का पाप भाव या नीच राशि में होना भी व्यापार क्षेत्र में संघर्ष करा देता है। दर्शकों, अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे पहले बात करते हैं, फिर इस पर चर्चा जारी रहेगा। जय महाकाल। जय महाकाल। क्या शुभ नाम है आपका और क्या सवाल है आपके? मेरा नाम नरेश है गुरुजी। मैं फिल्म मेकिंग लाइन से हूँ और काफी ऑडिशन देने के बाद मुझे कोई रोल नहीं मिल पाता। आप जन्म का तारीख और समय हमें बता दें। जन्म का तारीख है हमारा 26 मार्च और समय शाम के 5:30 बजे। ठीक है, आप 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहिए। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। बेटा, आप परेशान तो अपने स्वभाव के कारण से हो, पहले काम मिला था तो मारपीट क्यों कर लिए? हो गया गुरुजी, समय अब क्या करूं? नहीं तो ऐसे स्वभाव से तो काम आपका चलेगा नहीं। आप एक बार झगड़ा करते तो आपका काम चल जाता, आप अपने स्वभाव से बार बार परेशान हो रहे हो तो इसमें आप अपने स्वभाव के विषय में क्यों नहीं सोचते हो? जब सामाजिक हो तो आप कैसे अकेले के विषय में सोच सकते हो? आप जो सोचते हो वो सही हो सकता है क्या? ये पक्का होता है कि जितना आप सोचते हो सारी बातें सही है? अब इसका तो अंदाजा कैसे लगा सकते हैं? तो ये सोचना पड़ेगा ना। अभी हम कुछ उपाय बता देते हैं जिससे आपको काम तो मिल जाएगा लेकिन फिर अगर ऐसा स्वभाव रहा तो ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। इस उपाय को करो और काम थोड़ा सा जब मिल जाता है करने लगना तो समय निकाल करके संस्थान में जरूर आना। जी गुरुजी। मुझसे मिलना जरूर, ठीक है? जी गुरुजी। आपको पहला उपाय एक मंत्र बता रहे हैं, ओम हौम जो सह भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजाम महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मे वंदना मृत्योर मोक्षी यमामृता। ये पहला मंत्र है, इसको आपको पाठ करना है रोज, ठीक है? जी गुरुजी। कि गले में आपको रुद्राक्ष की माला धारण करनी है। जी गुरुजी। और तीसरा उपाय आपको ये करना है कि आपको अपने नाम का एक हकीक लेना है और उसे आप अष्ट धातु में बनवा करके उंगली में धारण कर सकते हैं, रिंग फिंगर में, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना है कि जब आप महामृत्युंजय मंत्र जो है उसका जाप कर रहे हैं तो उस समय भगवान शिव पर सफेद पुष्प, दूध, बेलपत्र, फल आदि अर्पित अवश्य करना है, भगवान शिव के मंदिर जहां भी है। और यही नहीं, आपको भगवान शिव जी की पूजा के सभी तरह के सुगंधित पुष्प जैसे कि कनर का धातु हो गया, केटरा हो गया, अपराजिता हो गया, चंपा हो गया, ये सब चढ़ाना होगा, ठीक है? जी गुरु। ये 3 उपाय आप कर लो, आपके जीवन में जो अभी परेशानी चल रही है इससे छुटकारा मिल जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है, लेकिन काम मिलने के बाद आश्रम में आना जरूर। जी गुरुजी, मिलेगा तो पक्का। ठीक है, हाँ पक्का, आप उपाय करो मन से, जरूर मिल जाएगा। जी गुरुजी। ठीक है, 3 बार जय महाकाल बोल करके फोन को रख सकते हो। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। क्या शुभ नाम है आपका?
मेरा नाम अभिनव है। अभिनव कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या समस्या है आपकी? हम छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं जी। समस्या बताएं अपनी। हमारी समस्या है बाबा कि व्यापार में कुछ दिनों से घाटा चल रहा है। हाँ। तो ही हम जानना चाहते हैं कि और जिसके साथ हमारा पार्टनरशिप है और उससे भी रिश्ता भी सही नहीं चल रहा है। जन्म का तारीख और समय याद है तो बता दें हमें। जन्म का तारीख 15 अगस्त है और समय 10 बजे का है सुबह में। तीन बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहो। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। जय महाकाल। बेटा आपके जीवन में समस्याएं लगातार आ रही है। एक बात आपको समझ नहीं आ रहा है कि पार्टनरशिप जब आप कर रहे हैं तब नुकसान हो रहा है? हाँ हाँ, मैं जब कर रहा हूँ तब नुकसान हो रहा है। तो इसको समझना चाहिए आपको कि आपके लिए पार्टनरशिप अच्छी बात नहीं है। साझेदारी में कार्य न करें, कोई भी व्यापार न करें। आपको अगर करना है तो खुद का व्यापार करें, या नहीं हो रहा है तो नौकरी कर लें। बल्कि व्यापार से ज्यादा तरक्की आप नौकरी में कर जाएंगे। अभी के लिए आपका आपको व्यापार करना ठीक नहीं है। आपको अभी 2 साल के लिए व्यापार को अपने बंद कर देना चाहिए। अभी जो परेशानी चल रही है और जो नुकसान हो रहा है, इसको रोकने के लिए हम कुछ उपाय बताते हैं। इसको ध्यान से सुनो, इसको करो और जैसे ठीक होना, और जब समय मिले तो एक बार संस्थान में आकर के मिलना भी। बिल्कुल। आपको शनिवार को सुबह स्नान करके भगवान शनि देव के मंदिर में जाना है और वहां पर धूप बत्ती जला करके आपको एक मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र है ओम शनि चराय नमः। ये ध्यान से सुनना, ओम शनि चराय नमः। दूसरा आपके लिए उपाय ये रहेगा कि मंगलवार को स्नान करके मंदिर जाएं और संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करके सभी को प्रसाद वितरण करना है। ठीक है, ये 2 उपाय करो। और तीसरा आपके लिए ये रहने वाला है कि आप अपने साथ एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पर्स में हमेशा रखो। ठीक है, इससे देखेंगे कि थोड़ा सा आपके जो व्यापार है इसमें जो नुकसान हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। लोगों से संबंध जो बिगड़ते जा रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे और आपको सही रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, आप 3 बार जय महाकाल बोल करके फोन को रख सकते हैं। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। दर्शकों, आप सब में से भी जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नंबर सामने दिया हुआ है और बात करके अपनी समस्या रख सकते हैं। दर्शकों, अब हम व्यापार पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं अचूक और आसान उपाय। अगर आपके भी व्यापार में समस्या आ रही है तो हर बुधवार को गणेश जी को 108 दुर्वा और बेसन की बनी मिठाई का भोग लगाएं। बुधवार को बुध यंत्र या व्यापार वृद्धि यंत्र को शुभ मुहूर्त देख करके स्थापित करना है। इसकी स्थापना करने के लिए हर माह शुक्ल पक्ष के रविवार का दिन भी आप चुन सकते हैं। इस यंत्र की स्थापना करना इस दिन भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रहे इसकी पूजा करते समय ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना नहीं भूलना, क्योंकि यंत्र की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख की प्राप्ति हो सकती है। वही जन्म कुंडली दिखाकर अगर आपके लिए अच्छा रहे तो पन्ना भी धारण किया जा सकता है, लेकिन मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना होगा। दर्शकों, अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करते हैं। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल बेटी, क्या शुभ नाम है और कहां से बात कर रही हो? जी, नाम है खुशी। डेट ऑफ बर्थ जो है हमारी 5/8/1988। ठीक है, समय क्या है? 12 बजे दिन का जन्म है और देहरादून का। जी, समस्या क्या है आप? शादी के ना मेरे 2 साल हो गए हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, और ससुराल में ना 6 लोगों की मौत हो गई है 2 साल के अंदर में। तब से मेरी सास ना मुझे मतलब अनलक्की मानती है और मुझे देखना नहीं चाहती, हर बात पे ताना देती। मतलब मुझे देखना नहीं चाहती, मुझे सबके बारे में मुझे दूसरी ठहराया जाता है सास की तरफ। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होता है, बिल्कुल परेशान ना हो। 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बनी रहो।
जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। बेटी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने इनके घर को बचा रखा है, ना कि आपसे इनको नुकसान हो रहा है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके धर्म ने ही, जो आपके धार्मिक विचार हैं, धर्म करने की प्रवृत्ति है, ईश्वर के प्रति स्नेह है, यही कारण है कि इनका परिवार बहुत हद तक बचा भी हुआ है। जब विवाह नहीं हुआ था तब भी ये लोग लड़ाई झगड़ा करते थे आपसी में, इनके ऊपर तो बहुत सारे केस चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों से इन्होंने तो लड़ाई कर लिया है। तो इसमें आपका क्या योगदान हो गया? इनको कहीं भी ये बोलना कि आपके कारण ये हो रहा है गलत है। हाँ, बात रही आपके मान सम्मान की कमी की, तो इसके लिए कुछ हम उपाय बताते हैं, लेकिन एक चीज साथ में जरूर ये बोलेंगे कि इनको ये बोलो कि संस्थान में आए और आकर के एक बार मिले, चूंकि इनके परिवार पर और बड़ी विपत्ति आने वाली है, इनको ये जरूर टालें, नहीं तो ऐसे में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से इनको कुछ नहीं मिलने वाला। आपके लिए उपाय हम बता देते हैं और बाकी के आप एक बार संस्थान में जरूर आना। उपाय आपके लिए रहेगा कि हर मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर जाना है, धूप दीप से उनकी पूजा करना है और चने गुण का प्रसाद अर्पित करना है, और इस प्रसाद को लाना नहीं है, इस प्रसाद को वही बांट देना है, मंदिर में ही जो बाहर रहते हैं लोग उनको दे दीजिए, मंदिर के पुजारी को और जो लोग हैं सबको बांट दीजिए, थोड़ा सा प्रसाद खुद भी ग्रहण कर लेना है। दूसरा उपाय, 3 गोमती चक्र लेना है, इसका चूर्ण बना करके घर के आगे बिखेर देना है। तीसरा, 1 मुट्ठी चावल लेना है, इसे 7 बार साफ पानी से धोना है, इसके बाद इसे भगवान शिव को चढ़ाना है और ये कार्य सोमवार को करना है। ये 3 उपाय करो, तुम्हारे जीवन से जो इस प्रकार के कष्ट हैं ये समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, 3 बार जय महाकाल बोल करके फोन को रख सकती है। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अभी बात हम कर रहे थे व्यापार के उपाय के विषय में, आज जो उपाय हम बता रहे हैं उन्हें ध्यान से करें और उनका लाभ उठाएं। एक और उपाय की बात करें तो दुकान या कार्यस्थल पर अंदर प्रवेश करने से पहले अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को जमीन पर लगाना है, इसके बाद इस हाथ को अपने मस्तक या हृदय पर लगाना है। इस उपाय से आपको विशेष लाभ होगा, व्यापार या कारोबार में वृद्धि के लिए ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। दूसरा, आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर में शुक्रवार के दिन गुण चना बांटने से व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही मंदिर में लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने सुगंधित धूप लगाना चाहिए और गुलाब के ताजे फूल भी अर्पित करने चाहिए, इससे भी समृद्धियां आती हैं। आप देखेंगे ये सब छोटे छोटे उपाय बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा है तो अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला लेकर के नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए, ये बहुत अच्छा उपाय में से आता है, आपको इससे पक्का लाभ मिलता है। दर्शकों, आज का टीवी का समय तो समाप्त हो गया, लेकिन अगर आप लोगों में से जिन लोगों से हम बात नहीं कर सके, आप निश्चिंत रहें, आपको फोन शाम तक जरूर जाएगा और हम जरूर बात करेंगे। काफी लोग बात करने के इच्छुक होते हैं तो एक एक करके बात होती है। दूसरा कि जो लोग बात फोन भी नहीं कर सके हैं और बात करने की इच्छा है, समस्याओं में घिरे हुए हैं, तो सामने दिए हुए नंबर को लिख करके रख लें और जब समय मिलता है तब आप आराम से हमें फोन मिला सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर हम बात नहीं कर पाते हैं तो हमारे संस्थान से जो आचार्य जी लोग हैं ये लोग आपको बताते हैं, लेकिन वो बात हम ही बताते हैं जिसके माध्यम से वो लोग आपको समझाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप सब भी बड़े प्रेम से 3 बार बोल दें, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।